ये गोवा का लोकल डिश है और इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना अगर आज की वीडियो अगर आप पसंद आया तो। वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ एंड मेरा नाम अमित कुमार। तो पहले पीछे बीच, वेदर मस्त, वाटर क्लीन अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी गोवा में बारिश हो रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। एक्चुअली मॉर्निंग में जब मैं उठा तो मैं चलो चलते हैं बीच पर, मगर मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था बारिश होगा मगर अभी परफेक्ट। तो मैं चलो चलते हैं बीच पर, चलकर थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। मेक इट क्लियर वन थिंग हियर, लुक इट अराउंड मी, नॉट अ सिंगल वन पर्सन हियर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेयरिंग अ मास्क। अभी जहां तक मैं अभी आ चुका हूं वहां तक आना मुश्किल था मगर बारिश दो दिन से गोवा में नहीं हुए जिसके वजह से मैं यहां तक आ पा रहा हूं भाई। और अभी कलर कुछ इस तरह है, अचानक कैसा दिख रहा है, जरा अक्टूबर तक गोवा में मॉनसून रहता है और ऑलमोस्ट जब हम अक्टूबर में जब आएंगे एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर में, तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना अभी का जो वाटर मिट्टी जैसा, क्योंकि अभी पानी बारिश होने की वजह से साइड से जितने मिट्टी सी में आ जाती है जिसके वजह से ऐसा दिख रहा है, मगर नवंबर में बिल्कुल क्लीन हो जाए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा में बिताया, अच्छा लगा। अभी गोवा आने का कोई इरादा है तो अभी आप उसे पोस्टपोन ही रखना 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद सब चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि गोवा आपके लिए विजिट करना अच्छा होगा और नहीं। और उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस तरह वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, मस्त लाइफ अमित कुमार गोवा, चलकर वहाँ भी थोड़ा बात कर लेंगे यार। तो आगे चलते हैं थोड़ा और। या बहुत दिनों के बाद जब वाटर जब चीट जब पैर में जब टच कर रहा है ना यार, तो फील ऐसा हो रहा है कि यस अभी मैं गोवा में ही हूँ। वाह लवली। और थोड़ा अभी रिस्की भी है तो मैं अभी अपना स्लीपर लगा के ही वॉक कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ भी मिल सकता है, कांच का छोटा टुकड़ा भी, उसे क्या होगा, पैर कट सकता है यार। ये देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना बहुत बड़ा सा चट्टान। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और एक चीज और, कितने लोग अभी गोवा आना चाहते हो यार, तो अभी गोवा मत आना, गोवा कोई प्लान अभी मत करना, अभी कुछ दिन इंतजार कर लो, कुछ दिन मतलब 1 मंथ। 15 अक्टूबर के बाद सब चीज यहाँ पर हो जाएगा अच्छा, मगर कुछ और भी चीज़ें हैं जो बैक टू नॉर्मल नहीं होने वाले हैं 15 अक्टूबर तक, उसमें समय लग सकता है नवंबर दिसंबर तक, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, वन बाय वन करके बात करते रहेंगे। और जब तक मैं गोवा में हूँ तब तक मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए छोटा सा वीडियो जरूर लेकर आऊँ रेगुलर बेसिस पर, मगर जो अभी नहीं हो पा रहा मैं कोशिश करूँगा उसे मैं कंटिन्यू करूँ आपके लिए। वेदर तो अच्छा है जिसके वजह से आप देख लो हमारे बैक में लवली यार, क्या मस्त आज का समय है। बस अगर ये वाटर क्लीन होता ना तो बात ही कुछ और होता। अभी तो यार सन धूप निकल आया यार, तो आप भी देख लो यार, वाओ लवली मस्त है भाई। चलो आपको थोड़ा इधर का वेदर दिखा दो, आप भी देखो। सो मच फॉर वॉचिंग मस्त लाइफ अमित कुमार। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, कल कहीं और चलेंगे, मतलब चलने वाले हैं, कल चलते हैं कुछ ऐसे ही बीच पर, चलकर वहाँ भी थोड़ा मजे करेंगे। और अगर ऐसा वेदर अगर मिला तो यार मज़ा ही कुछ और होगा क्योंकि अभी आपको ऐसा वेदर दिख रहा है मगर अचानक बारिश होने लगते हैं, नोबडी नोस, तो कुछ भी अभी प्रिडिक्ट आप कर ही नहीं सकते हो, कुछ भी हो सकता है कि मानसून है 15 अक्टूबर तक और उसके बाद बहुत कम उम्मीद होते हैं बारिश होने का, उसके बाद आप कहीं भी जाओ मस्ती करो, कुछ भी बस मस्ती ही करो, मगर पहले जैसा गोवा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में नहीं दिखने वाला है, तो कभी हम नेक्स्ट हम बात करेंगे। चलो बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।